हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये प्यारा सा मैट्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये दो रंग में बना हुआ है, ये बची हुई ऊनों से बन जाता है। देखना आपको ये, जब आप मैट्स बना सकते हो इससे बहुत बड़ा पायदान भी बना सकते हो। इसको बनाते बनाते आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। चलिए मैं आपको ये बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने इसमें दो कलर की ऊन ली है, हरी और नारंगी। अब देखो मैं इस वाली ऊन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ऐसे धागा लेके ऊन लेकर ऐसे ऐसे पांच चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। और फिर पहली वाली चेन में ऐसे ऊन निकालनी है क्रोशिया डाल के ऐसे। अब इसको ऐसे जोड़ के एक रिंग बनाना है, ऐसे ये सर्किल बन गया है। अब आपको इसके अंदर 12 फलिये डालनी है बड़े वाली। पहले ये दो चेन बना लीजिए। अब इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे निकालिए, 1 2 3 4। ये देखो ये ऐसे बनानी है, 5। देखो सबसे पहले ये ऊन ली इसके ऊपर, ऐसे नीचे से ये ऊन निकाली। ये 1 2 3 धागे हो गए हैं। पहले दो निकालो, फिर 2 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो अब हम इस वाली फली में इसको ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे। अब हम इसमें ये दूसरा धागा लगाते हैं, ये वाली दूसरी ऊन लगाते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ से मैंने ये वाली ये ऐसे लिया और ऐसे ये ऐसे, देखो ऐसे ये मैंने एक फली बनाई। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। अब एक इसमें मैंने एक बनाई है, अब दूसरी वाली चेन में दो फली बनानी है, 1 2 ऐसे। अब फिर ये वाला धागा यहाँ पे ऐसे रखना है ये। अब फिर इसमें एक फली बनानी है। अब ये छोटे वाली फली बनाएंगे आप ऐसे बिना धागा लिए ऐसे, इसमें दो फलिये डालनी है, 1 और 1 2 ऐसे। अब इस वाले धागे को ऐसे 1 2 इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहो, अगर ढीला रह जाता है तो ऐसे। और ये धागा इसके अंदर ही रखना है, देखो ऐसे एक दो। अब ये देखो हमने ये एक बार एक चेन में एक और एक में दो, एक चेन में एक और एक में दो, और ये धागा हमने इसके अंदर लिया है। देखो ये धागा फिर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, ये हम ऐसे ही अब बढ़ाते हुए चले जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमारी ये पूरी एक लाइन पूरी हो गई है। अब हम हरे के ऊपर हरा और नारंगी के ऊपर नारंगी। देखो अब हमारी यहाँ पे पहले एक फली ये वाली थी हरे रंग की, अब हमारी दो बन जाएंगी, 1 2 और दो के बीच में दो ही बनाते रहना है, दो के बीच में दो।
अब देखो, ये एक, एक और दो, और दो के बीच में दो। अब ऐसे ही पहले एक 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 हमारी हरी थी, अब दो दो चेन में अलग अलग एक एक बनेगी, और फिर जिस चेन में दो बनाई थी वो ऊपर तक जितना भी बड़ा हमें बनाना है उसके बीच में दो दो बनती रहेंगी। ऐसे इसी तरह बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो अब हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है। अब हम तीसरी लाइन शुरू करते हैं। देखो अब हमारी पहले एक फली, फिर दो, अब हमारी तीन हो गई हैं। ऐसे ही एक एक बढ़ती रहेगी, एक दो तीन, और ये दो के बीच में दो। देखो ये धागा इसके अंदर ऐसे ही रखना है, और इसको भी इसी के साथ चेन के बीच में धागा लेके तब आपको ये फलिए बनानी है, इससे आपका पीछे धागा दिखाई नहीं देगा। एक दो तीन, और दो के बीच में दो। देखो ये पीछे कोई धागा नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये दो रंग से बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, देखो अब आप इसको बढ़ाते हुए कितना भी बड़ा बना सकते हो। पहले मैंने एक चेन बनाई, फिर एक में एक और एक में दो डाले, फिर ये दो हो गए, तीन चार पाँच, इस तरह ये बढ़ते रहेंगे, और दो के बीच में दो। देखो जैसे इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया है, तो आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।